नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपंकर भट्टाचार्य जी, आपका दोस्त, आपका हम सफर। वेलकम टू चैनल मेड इन इंडिया। चैनल मेड इन इंडिया पे फिर से आप सभी को एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग परफ्यूमरी के एक नया टेक्निक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। दोस्तों, आप सभी का बहुत दिन से एक क्यूरियोसिटी है कि एक हाई कॉस्टली परफ्यूम को कैसे लो कॉस्ट में लाया जाता है। तो दोस्तों, मेरे पास जहां एक एसेंशियल ऑयल है, ये एक केमिकल बेस्ड एसेंशियल ऑयल है, और ये जो एसेंशियल ऑयल है इसका नाम है चार्ली। ये केमिकल बेस्ड एसेंशियल ऑयल 4000 रुपया किलो है, और इस एसेंशियल ऑयल को, ये 4000 रुपया किलो वाला एसेंशियल ऑयल को यूज करते हुए हमने एक परफ्यूम बना के रखे हैं। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और आपको एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैसे ये 4000 रुपया वाला एसेंशियल ऑयल या परफ्यूम जो भी हो, इसको यूज करके हम लोग मोटा मोटी 2500 रुपया वाला अगरबत्ती का परफ्यूम प्रिपेयर कर सकते हैं, और वो भी हाई डाइल्यूशन वाला, मतलब के 15, 20, 24 पे टूटने वाला हम अगरबत्ती के लिए सूटेबल परफ्यूम कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए समय का ज्यादा बर्बादी ना करते हुए हम आपको थोड़ा बहुत समझाने का। तो दोस्तों, हम जहां पे हमारे जो मेजरिंग मशीन है उसके पास आप लोगों को लेके आए हैं। दोस्तों, जहां पे हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया है, ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में ये जो 4000 रुपया वाला चार्ली एसेंशियल ऑयल है, ये एसेंशियल ऑयल जहां पे अभी तक जस्ट 55 ग्राम दिया हुआ है, जस्ट 55 ग्राम। और दोस्तों, अभी इसमें हम और 50 ग्राम ये जो चार्ली एसेंशियल ऑयल है हम लोग जहां पे ऐड करेंगे, और उसके बाद हम आपको इसका टेक्निक डिस्कस करते हैं। तो पहले हम जहां पे और 50 ग्राम जहां पे 50 ग्राम नहीं हुआ, 40 ग्राम हुआ, ठीक है, ओके, ऑल राइट। और अभी इसके साथ हम लोग 60 ग्राम डीपी ऑयल ऐड करेंगे। तो दोस्तों, ये हमने इसको ऐड कर लिया है, और जहां पे ये हमारा 400 ग्राम का 400 ग्राम का चार्ली का अगरबत्ती बेस्ड परफ्यूम बन चुका है। तो अब सवाल ये होता है कि ये जो पहले से मैंने सॉल्यूशन बना रखा था, जिसमें मैंने पहले से सिर्फ 55 ग्राम ये मैंने चार्ली एसेंशियल ऑयल डाला था, जो मैंने
आप लोगों के सामने जिक्र किया है, तो इसके साथ मैंने और क्या क्या मिलाया है वही जानने के लिए तो आप लोग उत्सुक है। तो इसके बारे में आज आपको थोड़ा हिंट सम दे देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैंने एस पर फॉर्मुलेशन ये चार्ली एसेंशियल ऑयल को बनाया, इसको हम बेस मान के चलेंगे, बेस। तो ये बनाते हुए हमने देखा है कि इसका कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेट 4,000 रुपया जा रहा है, 4,000 रुपया। तो अगर ये 4,000 रुपया पर किलो जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये हम लोग अगरबत्ती में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इतना कॉस्टली परफ्यूम इज नॉट सुटेबल फॉर इंसेंस स्टिक। तो हमको सबसे पहले इसका कॉस्टिंग को कम करना होगा, और उसके साथ ही साथ इसको हमें ऐसा बनाना होगा कि ये जलने के बाद खुशबू दे, आफ्टर बर्निंग ये खुशबू देगा। तो दोस्तों, अगर ये 4,000 रुपया किलो होता है तो इसके साथ अगर हम ऐसे कुछ केमिकल मिलाते हैं जिसका दाम 4,000 रुपया से नीचे है तो क्या होगा, परफ्यूम क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ेगा और उसका कॉस्टिंग भी घटता जाएगा, कम होता जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इस पॉइंट को समझिए कि सबसे पहले 4,000 रुपया से नीचे वाला केमिकल ऐड करके इसका परिमाण बढ़ाना है, और वो केमिकल ऐड करते वक्त ये अपने ध्यान पे रखना है कि वो केमिकल ऐसा हो, ऐसे कैटेगरी को हो कि वो जलने के बाद खुशबू प्रदान करेगा। तो हम एक एग्जांपल आपको देते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम एक छोटा सा जिस्ट आइडिया देते हैं कि हम इसके साथ क्या क्या मिला के इसको प्रिपेयर किया है। पूरा एग्जैक्टली मेजरमेंट के साथ नहीं बोल रहे हैं कि तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, वो आप लोग जब मेरे पास आके मुझसे मिलेंगे तब हम आपको इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे ट्रेनिंग में। अभी थोड़ा बहुत जान लीजिए, एक कॉन्सेप्शन ले लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले इसमें हमने 55 ग्राम चार्ली एसेंशियल ऑयल लिया, उसके बाद उसके साथ हमने कुछ एल्डिहाइड का मिश्रण ऐड किया है, कुछ एल्डिहाइड दिए हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, एल्डिहाइड्स 4,000 रुपया से नीचे दाम होता है, ठीक है, मैक्सिमम 2,000 रुपया तक का होता है। तो हमने एल्डिहाइड्स ऐड किए हैं, उसके साथ साथ हमने वैनिलिन पाउडर भी ऐड किए हैं। वैनिलिन पाउडर ये एक फूड ग्रेडेड केमिकल है। अब ये जो वैनिलिन पाउडर तो आप लोग भी यूज करते हैं, आप लोग यूट्यूब के बहुत सारे वीडियो देख के मुझे पूछते हैं क्या मैं वैनिलिन ऐड करूं, इथाइल वैनिलिन ऐड करूं, कुमारिन ऐड करूं। तो दोस्तों, हाँ, मैं जहाँ पे एडमिट करता हूँ कि मैं जहाँ पे वैनिलिन ऐड किया है, लेकिन एक प्रोसेसिंग के जरिए ऐड किया है। कैसा प्रोसेसिंग, उसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लीजिए। ये जो वैनिलिन पाउडर है, ये वैनिलिन पाउडर फूड ग्रेडेड केमिकल है, आइसक्रीम बनाने में, बिस्किट बनाने में यूज किया जाता है। तो ये जो वैनिलिन पाउडर है, ये वैनिलिन पाउडर 175 डिग्री सेंटीग्रेड ताप मात्रा पे आके खुद बताता है कि हाँ, मैं वैनिलिन हूं। वैनिलिन का खुशबू फैलता है 175 डिग्री टेम्परेचर पे, उससे कम टेम्परेचर पे नहीं होता है। तो दोस्तों, जब एक अगरबत्ती जलता है, अगरबत्ती के माथे पे जो आग जलती है उसका टेम्परेचर कितना है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 175 डिग्री से भी ज्यादा। तो हमने क्या किया है, इस वैनिलिन को हमने 175 डिग्री सेंटीग्रेड में एक प्रोसेसिंग किया,
प्रोसेसिंग करके हमने इसके साथ मिलाया है और उसके साथ साथ कुछ एल्डिहाइड्स भी मिलाए हैं। इसके वजह से क्या हुआ है, 4000 रुपया वाला परफ्यूम एल्डिहाइड मिलाने के वजह से उसका दाम घट गया है, घट के ये मोटा मोटी 2500 रुपया किलो में आ चुका है। तो ये सारे टेक्निक्स और भी कुछ चीजें मिलाए हैं, जैसे कि गैलेक्सोलाइट मिलाए हैं, ठीक है, गैलेक्सोलाइट मोटा मोटी 900 रुपया किलो में आता है, इससे कॉस्टिंग और भी घटा है। तो ऐसे टोटल कुल मिला के कुछ केमिकल मिला के हमने इसको मोटा मोटी 2500 रुपया में गिरा दिया है इसका कॉस्टिंग। और ये एकदम प्योर रॉ परफ्यूम है, इसका दाम 2500 रुपया है, लेकिन इसका डाइल्यूशन रेशियो भी ज्यादा है, 1:20 तक इसको तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोग ये टेक्निक सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पास आ भी सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जो टेक्निक है ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, ये जहाँ पे वीडियो पे पूरा बोलना या दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो वीडियो पूरा सारा दिन का बन जाएगा, ठीक है। और ये एक दिन में नहीं बनता है, ये बनाने में कम से कम 6-7 दिन लग जाता है। और दोस्तों अगर आप लोग मुझसे इस परफ्यूमिंग का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मैं ये बोलूँगा कि ट्रेनिंग लेने के लिए, ट्रेनिंग लेने में आप लोगों को पैसा खर्चा होगा, उससे पहले आप एक बार मेरा ये जो हाई डाइल्यूशन वाला परफ्यूम है ये सब एक एक किलो लेके देखिए और इसको हाई डाइल्यूशन में तोड़ के अपना अगरबत्ती डिपिंग करके ये देखिए कि मेरा बात कितना सच है या मेरा बात सच है कि झूठ है, ये देखिए। उसके बाद अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आइए मेरे पास आके ट्रेनिंग लेके ये आप लोग सीख सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बार बार बोलूंगा, ये बूस्टिंग सीखने से पहले आपको सीखना है इस बेस को बनाना, क्योंकि ये इस परफ्यूम ये कंपाउंड का बेस नोट है। ये बेस जितना स्ट्रांग होगा आपका परफ्यूम उतना ही अच्छा होगा, उतना ही हाई डाइल्यूशन का होगा, ठीक है। बेस ठीक नहीं रहेगा तो परफ्यूम का स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों जहाँ पे स्क्रीन पे जो नंबर है इस नंबर पे आप कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं, फोन करके आके मुझसे मिल सकते हैं। और सबसे पहले मैं बोलूंगा कि ये परफ्यूम और भी कुछ परफ्यूम है 1:20 डाइल्यूशन वाला, 1:15 डाइल्यूशन वाला, कॉस्टिंग के हिसाब से है, वो आप लोग एक एक किलो लेके देखिए कि ये सूटेबल है कि नहीं, मेरा बात सच है कि नहीं। उसके बाद आप लोग चाहे तो मेरे पास आके ट्रेनिंग ले सकते हैं या तो मुझसे डायरेक्ट परफ्यूम लेके भी अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर ये आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब बहुत कम होते जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, चैनल वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्त तक शेयर करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।